हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे नेम लिखा हुआ है और यहां पे सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ है और यहां पे टोटल किया गया है। तो यहां पर अभी हम क्या करने वाले हैं, इस जो ये नेम लिखा हुआ है ना, इसी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करते हैं। अब इससे होगा क्या, आइए देखते हैं। तो पहले कंट्रोल के साथ F3 प्रेस किया, जैसे ही हम ये प्रेस करेंगे तो यहां नेम रेंज ओपन हो जाता है। यहां पर न्यू पे क्लिक करके इसको एक नाम दे देते हैं, लाइक यहां पे मैं कर देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये हमने लिख दिया यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट। तो इसको लिखने से हुआ क्या, क्या फर्क पड़ा, यहां वर्कबुक ही रखा है हमने। अगर आप चाहे तो यहां पे शीट 1 रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने वर्कबुक रख दिया है और यहां से ओके कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है द सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इज नॉट करेक्ट, तो यहां पर आपको अंडरस्कोर लगाना होगा इनके बीच में, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए। अंडरस्कोर आपको डैश वाले बटन पे ही मिलता है, आपको शिफ्ट के साथ दबाना होता है, वो लगा दीजिए, ठीक है। आप जैसे एक्सेस में यूज करते हैं बिल्कुल वही तरीका। और ये हो गया काम, अब बस ओके करिए, काम खत्म हो गया आपका। अब यहां पर आप जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये D4 आ रहा है, यहाँ नेम बॉक्स में देखिए ये D4 आ रहा है। नेम बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे और यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा नेम बॉक्स और यहां पर इसमें नेम दिखाई पड़ेगा। अब मान लीजिए आप कहीं पर रहते हो, इस पूरे शीट पर कहीं भी हो और यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने क्लिक कर दिया और हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको हमने नाम दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहां पे जाना है और यहां नेम ऑफ स्टूडेंट पे चले जाइए। आप वही रेंज सेलेक्ट कर पाएंगे जिस रेंज को आपने नाम दिया था नेम ऑफ स्टूडेंट। इसी तरीके से अलग अलग हिस्से को आप वो नाम दे सकते हैं और आप कैलकुलेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन के तौर पर यूज कैसे करेंगे वो आपको सिखाता हूं। पहले यहां पर जो मैंने नाम दिया है इसको आप देख ही सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस हिस्से को यहां पे देखिए, इतना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको एक नाम दे देते हैं। तो अभी हमने सिलेक्शन में लिया है सिर्फ, तो कंट्रोल F3 शॉर्टकट की प्रेस करते हैं और यहाँ पे नेम रेंज ओपन हो जाएगा कंट्रोल F3 प्रेस करते ही। तो ये कंट्रोल F3 प्रेस किया मैंने, ये ओपन हो गया। इसको हम डिलीट कर देते हैं ना, इसकी अभी जरूरत नहीं, तो इसको डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। डिलीट करने के बाद देते हैं ये रेंज हमने सेलेक्ट किया पूरा यहां तक, ठीक है। टोटल को छोड़ करके बाकी पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, आप कंट्रोल F3 प्रेस करते हैं, ये कर लिया, ठीक है। और यहाँ न्यू पे जाकर के इस रेंज को हमने एक नाम दे दिया, जैसे राम दे दिया, ठीक है। अब राम का जब टोटल करना होगा तो ये देखिए ये नाम मैंने दे दिया ना, अब देखिए राम इसको दे दिया और फिर यहाँ पे इसको श्याम नाम दे देता हूं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ कंट्रोल F3 प्रेस किया ये शॉर्टकट की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ श्याम, तो यहाँ पे श्याम ऑटोमेटिकली आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ से हटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके कर दिया। तो इसका नाम हो गया श्याम, ठीक है। अब आपको सम करना है, जैसे मान लीजिए ये मैं हटा देता हूँ, ये टोटल जो किया ना इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अगर ऐड करना है, ठीक है, तो आप सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाइए और इस रेंज को सेलेक्ट करने के बजाय, इस रेंज को सेलेक्ट करने के बजाय यहाँ पे लिख दीजिए RAM राम। राम देखिए इसमें आ भी रहा है, यहाँ पे देखिए ये आ गया ना। टैब बटन प्रेस कर दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस करेंगे तो यही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ये फायदा है। यहाँ पर अगर आप अब इसको ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए, तो ये तो वैसे भी आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ड्रैग करने पर दिक्कत आपको हो रही है क्योंकि यहाँ पे सब में 290 आ रहा है। कारण क्या है कि आपने जो नाम दिया था वो राम रेंज का था। अब मान लीजिए इसका टोटल करना है तो आप यहां पे जाइए, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाइए और यहां पे लिख दीजिए श्याम। तो SHY देखिए श्याम आ रहा है ना, तो बस यहां पे श्याम कर दीजिए, हो गया काम। ये कर सकते हैं आप, ये बहुत आसान है। आई होप की बात समझ में आई होगी कि नेम रेंज का क्या मतलब है। आप कोई बड़ा डेटा आपके पास होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं है, लेकिन हाँ ये तरीका जरूर हो सकता है, एक वे हो सकता है जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं उस तरह का, तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें।